नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, थलपति विजय की मूवी द गोट रिलीज हो चुकी है, जिसने 4 दिनों में 280 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है और कहीं ना कहीं अपने टाइटल को जस्टिफाई करते हुए साबित किया है कि थलपति विजय सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ द गोट वर्सेस ओजी पर हमारी थ्योरीज को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम फ्रेम पर आप आसानी से जंप कर सकते हैं। खैर, विजय की सेकंड लास्ट फिल्म है, जिसके चलते फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और फैंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट भी मिला है। इवन आज के दिन की बात करें, यानी कि मंडे की, तो भी इस फिल्म के रिगार्डिंग हमें मैसिव एडवांस बुकिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म के ये कलेक्शन तब पॉसिबल हुए हैं जब केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और हिंदी बेल्ट से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला है। इसके बावजूद थलपति विजय स्टारर इस फिल्म ने सिर्फ तमिलनाडु और ओवरसीज मार्केट से इतने थाकड़ नंबर निकाल के दिए हैं, जो मेरे ख्याल से किसी दूसरे एक्टर के लिए तो फिलहाल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिल्म ने 3 दिनों में ओवरसीज मार्केट से 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल के दिया है और लियो के बाद ऐसा कारनामा करने वाली ये दूसरी फिल्म है। थलपति विजय तमिल इंडस्ट्री और एज वेल एज साउथ बेल्ट के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्होंने बैक टू बैक 12 फिल्में ऐसी दी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस करके दिखाया है। इसके अलावा इनकी 8 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने 200 करोड़ प्लस, 8 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने 250 करोड़ प्लस, 5 फिल्मों ने बैक टू बैक 300 करोड़ की कमाई करी। वहीं इनकी लास्ट रिलीज लियो ने 600 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल के दिया था और इस तरह का कलेक्शन आपको शायद ही किसी एक्टर की फिल्मोग्राफी में देखने को मिलेगा। फिल्म कैसी भी हो, अगर थलपति विजय का नाम जुड़ा है तो फिल्म बड़े आराम से 250 से 300 करोड़ की कमाई कर लेती है, जो कि इसने केजीएफ चैप्टर 2 जैसे मॉन्स्टर के सामने भी करके दिखाया है। दोस्तों, थलपति विजय के कैरियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है लियो, जिसने तमिल बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ प्लस की कमाई करके दिखाई थी। वहां पर लोकेश कनगराज का नाम जुड़ा था, एलसीयू यूनिवर्स से कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज थी और कमल हसन और रोलेक जैसे एक्टर्स के चलते फिल्म का हाइप बना हुआ था। इसलिए हम मान सकते हैं कि फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई करी, लेकिन द गोट में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसके बावजूद गोट और लियो के कलेक्शन में हमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, दोनों फिल्मों के कलेक्शन पैरेलल ही चल रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं थी, फिर भी द गोट अच्छे कलेक्शन निकाल के दे रही है और लाइफ टाइम में आप मिनिमम इस फिल्म से 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। विजय का स्टारडम ट्रूली अनमैचेबल हो चुका है और उन्हें इस तरह के कलेक्शन निकालने के लिए हिंदी बेल्ट की भी आवश्यकता नहीं है। शायद ही कोई साउथ एक्टर ऐसा होगा जो बिना हिंदी सपोर्ट के इस तरह के कलेक्शन निकाल के दे। थलपति विजय का मतलब फिल्म सुपरहिट। दोस्तों, विजय ने वो लेगेसी सेट करी है जो शायद आज की तारीख में रजनीकांत साहब को भी ओवरशैडो कर रही है। ऐसे स्टार सच में बहुत खतरनाक होते हैं, जिनकी फिल्में निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ और खराब रिव्यू के बावजूद भी उन फिल्मों के कलेक्शन पर किसी भी तरह का फर्क ना पड़े। शायद विजय इस समय इंडिया के ओनली एक्टर हैं जो इस तरह की मैसिव फैन फॉलोइंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद मेकर्स भी समझते हैं कि लोग फिल्म को नहीं बल्कि विजय को देखने आ रहे हैं, इसी के चलते फिल्मों में अच्छी खासी फैन सर्विस की जाती है और विजय की पुरानी फिल्मों से हमें रेफरेंस दिखाए जाते हैं ताकि फैंस अच्छे से एंजॉय कर सकें। वहीं न्यूट्रल ऑडियंस के बीच इस तरह की चीज़ें काम नहीं करती। हेटर्स फिल्मों को गिराने का कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना हावी हो चुका है कि आपको किसी भी बड़ी फिल्म के रिगार्डिंग थम्स अप देखने को नहीं मिलेगा। हर फिल्म को लेकर आपको ऑडियंस बटी हुई देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कल की हो, सलार हो, जवान हो या फिर कोई भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो। फिल्मों को एक तरफा अच्छे रिव्यू नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ फिल्मों को अननेसेसरी ट्रोल करना आज की तारीख में कल्चर बन चुका है। दोस्तों, क्रिंज और डिजास्टर जैसे वर्ड्स का यूज करना आज की तारीख में कूल तो लगता ही है, साथ ही साथ इस तरह के वर्ड्स को यूज करने से अच्छी इंगेजमेंट भी मिलती है। वहीं अगर आप सच में मुझसे पूछें तो मुझे ये फिल्म क्या बहुत अच्छी लगी, इस पर जवाब मेरा होगा कि नहीं। क्या मुझे ये फिल्म बहुत बुरी लगी, तो भी मेरा जवाब है नहीं। दोस्तों, बीइंग अ न्यूट्रल ऑडियंस, मेरे लिए ये एक अच्छी वॉचेबल फिल्म साबित होती है। ये प्रॉपर एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है, जिसे देखते हुए आप अच्छा खासा टाइम एंजॉय कर सकते हो। हाँ, मगर डेफिनेटली अगर आप देखें तो फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन तो मेरी हाई थी। मानाडू के सक्सेस के बाद से इस कोलेब्रेशन को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड तो था, मुझे लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वेंकट प्रभु एक रूटीन से कहानी लेकर आएंगे, खासकर अगर पोस्ट क्रेडिट सीन को छोड़ दिया जाए तो। जिस तरह से पोस्टर और ग्लिम्स निकल कर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये एक टाइम ट्रेवल या टाइम लूप जैसे कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म होगी। शायद मेरी एक्साइटमेंट काफ़ी हाई थी, मुझे इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी। अगर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होता तो साइंस फिक्शन जॉनर पर भी मेरा सवाल होता।
दोस्तों फिल्म के लास्ट में एक ओपन एंडिंग रखी गई है जहां पर संजय और जीवन दोनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। एक लैब काइंड ऑफ जगह है जहां पर थलपति विजय के काफी सारे क्लोन्स तैयार किए गए हैं। यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि थलपति विजय ने फिल्म के क्लाइमेक्स में जिसको मारा था वो उनका बेटा जीवन नहीं बल्कि एक क्लोन था। क्लोन होने की पॉसिबिलिटी इसलिए साबित होती है क्योंकि वो जो यंग विजय वाला किरदार था वो बहुत ही रूथलेस था, उसमें हमें कहीं पर भी इमोशन देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ वो फाइट इस तरह से करता है जैसे कोई रोबोट हो। उस किरदार को हराने में थलपति विजय के भी पसीने छूट गए थे। दोस्तों फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाता है कि विजय का जो असली बेटा है जीवन, वो थलपति विजय को लेकर काफ़ी सारे क्लोन्स को तैयार कर रहा है। यानी कि द गोट वर्सेस ओजी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें थलपति विजय का असली बेटा जीवन ही मेन विलन के तौर पर देखने को मिलेगा और हो सकता है वहाँ पर एक इमोशनल एंगल बन पाए। वैसे तो थलपति विजय की सेकंड लास्ट फिल्म है, लेकिन आप इसे उनका एक अल्टीमेट रिटायरमेंट नहीं मान सकते। एक लंबे गैप के बाद वे डेफिनेटली कमबैक करेंगे और इसकी हिंट फिल्म में दो जगह पर दी गई है। पहला मेटाफर वो जहां पर थलपति विजय शिवा कार्तिकेयन से मेनन पर निगरानी रखने को कहते हैं। यहां पर एक डायलॉग है जिसमें विजय कहते हैं कि मेरे आने तक संभाल के रखना, कुछ इसी तरह का डायलॉग हमें सुनने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दूं, शिवा कार्तिकेयन तमिल इंडस्ट्री के एक प्रॉमिसिंग हीरो हैं जिनको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि रजनीकांत के बाद थलपति विजय और थलपति विजय के बाद इस लेगेसी को शिवा कार्तिकेयन फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक काइंड ऑफ हिंट देने की कोशिश की गई है कि थलपति विजय ब्रेक पर जा रहे हैं, तब तक उनकी लेगेसी को शिवा कार्तिकेयन संभालेंगे। इसी तरह एक और डायलॉग है द गेम इज ओवर वाला, वहां से भी हमें एक काइंड ऑफ आइडिया हो जाता है कि थलपति विजय डेफिनेटली अपनी वापसी करेंगे। यानी कि 5 से 6 साल के बाद जब थलपति विजय अपना कमबैक करेंगे, तब हो सकता है आपको द गोट वर्सेस ओजी देखने को मिले। अब इसका सीक्वल इस बात पर डिपेंड करता है कि द गोट बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी सक्सेस साबित होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्लोन कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जिसका मास्टरमाइंड है थलपति विजय का बेटा जीवन। दोस्तों अगर फिल्म का सीक्वल बनता है तो फिल्म की स्टार्टिंग में थलपति विजय अपने ही बेटे को मारने के रिग्रेट से जूझते हुए नजर आएंगे। वहीं इंटरवल से 10-15 मिनट पहले थलपति विजय को इस क्लोन कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद थलपति विजय अपनी ही तरह के दिखने वाले काफी सारे क्लोन से भिड़ेंगे। अल्टीमेटली थलपति विजय और उनके बेटे के बीच ही मेन राइवलरी होगी। चूंकि जीवन एक ह्यूमन बीइंग है इसलिए उसके अंदर इमोशन भी होंगे। यहाँ पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थलपति विजय अपने बेटे जिसका ब्रेन वॉश हुआ है उसे इमोशनली अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। वैसे फिल्म में हमें मेनन और कल्याण को भी मरते हुए नहीं दिखाया गया है, इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेकंड पार्ट में विलन के तौर पर वो भी देखने को मिले। इसके अलावा मेनन के बेटे संजय के जिंदा होने की भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि सेकंड पार्ट में आपको प्रॉपर एक क्लोन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जहां पर थलपति विजय अपने ही जैसे दिखने वाले काफी क्लोन से भिड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप द गोट वर्सेस ओजी को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आपको ये फिल्म कैसे लगी, इसकी जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।